नमस्कार, मानस मिश्र ऑल इनोवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 अगस्त पर बौखलाए कठमुल्ले और पाकिस्तानी किस तरह से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, लेकिन भारतीय सेना भी आपको पता है जब अपनी पर आती है तो क्या करती है, आपको दिखाने जा रहे हैं। एलओसी पर कैसे 3 आतंकवादी, वो भी किस तरह से यहाँ पर रात के अंधेरे में साजिश रच रहे थे। आईईडी ब्लास्ट की वहां पर वो कर रहे थे, 25 से 30 किलो आईईडी मिली है, वो भी दिखाएंगे। और कैसे एलओसी पर आज भारतीय सेना ने उन आतंकियों पर तांडव मचाया है, और जो कश्मीरी पंडितों को मारने में उनका हाथ था, उनकी हत्या में, उसके बाद भारतीय सेना की जब छुकाई शुरू होती है तो क्या कुछ होता है, आपको दिखाने चलते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। भारत माता की जय और जय हिंद लिखते हुए 15 अगस्त आ रहा है, और उन आतंकवादियों को सीधा संदेश है कि अगर आगे से कुछ करोगे तो 72 हुनों के दर्शन करा दिए जाएंगे। लिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ। फिर से अनुरोध करेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है ये, जहां बडगांव के बाटर हिल इलाके में आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। ये रात के अंधेरे में जब इनपुट मिलता है, भारतीय सुरक्षा बल वहां पर जाते हैं, और उसके बाद जो कुछ होता है वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के जो कठमुल्ले हैं, जो पाकिस्तान से समर्थन हासिल करके यहां पर भारत में साजिश रचते हैं, और 15 अगस्त पर वो धमाके की साजिश करने के प्रयास करते हैं, लेकिन भारतीय सेना उन्हीं के ऊपर धमाका कर देती है। पुलिस और सुरक्षा बल इन सबको घटना को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि आतंकी संगठन टीआरएस से जुड़े हुए टेररिस्ट लतीफ राथर को घेरा गया था, उसके साथ 2 आतंकी और सुरक्षा बलों के जाल में फंसे थे, और टीआरपी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के वहां पर मॉड्यूल बताया जा रहा है। आपके सामने एक ट्वीट पर दिखाता हूं, यहां लिखा है जम्मू कश्मीर इनकाउंटर अंडर वे एट द वाटर हेल्स एरिया ऑफ बडगाम, 3 टेररिस्ट आर आउट टेरर आउटफिट एलईटी टीआरएफ आर ट्रैप्ड इंक्लूडिंग टेररिस्ट लतीफ राठौर हु वाज इन्वॉल्व इन सेवरल सिविलियन किलिंग इंक्लूडिंग राहुल भट्ट एंड अमरीन भट्ट। जी हां, राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे आतंकी। जी हां, ये आतंकी राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे, कश्मीरी पंडित थे। तस्वीरें आपके सामने है विजुअल्स, जहां पर किस तरह से भारतीय सेना वहां पर उनको निकाल करके एक एक करके उन लोगों की वहां पर ठुकाई हो रही है। आपको बताएंगे आगे 25 से 30 किलो आईडी बरामद हुए हैं, वो भी आपको ले चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एडीजी कश्मीर जो है विजय कुमार ने बताया कि लतीफ पर राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट सहित कई नागरिकों की हत्या में शामिल था, ऑपरेशन जारी है। खुफिया सूचना के आधार पर आतंकी के बारे में जानकारी मिली, इसके बाद उनके खिलाफ अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया, तो भनक लगते ही गोलाबारी शुरू कर दी उन आतंकवादियों ने, कठमुल्लों ने। आतंकियों को सुरक्षा बलों की ओर से करारा जवाब दे दिया जा रहा है। आपको बता दें, चदुरा तहसील कार्यालय में कर्मचारी राहुल भट्ट की 12 मई उनके कार्यालय में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह कश्मीरी टीवी अभिनेता अमरीन भट्ट की इसी साल 26 मई को भी गढ़गांव के चदुरा इलाके में अज्ञात आतंकवादियों ने हत्या करवा दी वहां पर की थी। बडवान इलाके में इससे पहले भी रविवार को प्रतिबंधित संगठन आतंकी जो लश्कर ए तैयबा के एक हाइब्रिड आतंकवादी को भारतीय सेना ने 34 आरआर यूनिट ने गिरफ्तार किया था। उसके जवान उसके आगे और पीछे से डंडा डालकर उससे कुरान उगलवाई गई है, और उसकी पहचान संगम बडगाम निवासी अरशीद अहमद भट्ट के रूप में हुई है। इसकी यहां पर आपको बता दें, इससे कुरान उगलवाई गई, उसके बाद भारतीय सेना अब एक एक्शन में आ रही है। 3 आतंकवादी हैं जो कि इन कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए शामिल है, जो कि टारगेट कर करके हिंदुओं को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार रहे थे। आपको बता दें, गिरफ्तारियां श्रीनगर पुलिस और सैन्य बलों सुरक्षा अभियान के लवेपुरा से की गई थी। अधिकारियों ने आतंकी के पास आपत्तिजनक सामग्री जब्त की, इसमें 5 पिस्टल, 5 मैगजीन, 50 राउंड शामिल थे। आतंकियों के पास 2 हथगोले भी बरामद हुए हैं। इस बीच एक खबर आ रही है, आपको बता दें आपके सामने, सबसे पहले जहां पे आईडी की बात आई है, जहां 25 से 30 किलो आईडी को रिकवर्ड किया गया है। आपको दिखा दें, आपके सामने ईएनआई का ट्वीट है। एनआई ने ट्वीट में लिखा है, जम्मू कश्मीर एनए वेटिंग अप्रॉक्स
25 to 30 kg recovered near Tahab crossing on circular road in Pulwama by police and security forces. A major tragedy has been averted by specific input by Pulwama police ADGP Kashmir Vijay Kumar. ये तस्वीरें और ये चीजें साफ तौर पर दर्शाती हैं कि किस तरह से आज 15 अगस्त को लेकर के वहां पर सुरक्षा एजेंसियां टाइट है, लेकिन सबके बीच में ये कठमुल्ले जो है, मैं कठमुल्ले बार बार इसलिए कह रहा हूं, आतंकवादी आप कहेंगे, हम बार बार कहते हैं कि आखिरकार आतंकवादी जो होते हैं एक धर्म क्यों क्यों होते हैं, इस पर बात होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है बैठा हुआ, यूनाइटेड नेशन है, आखिरकार हमें ट्रंप की बार बार बात याद आती है जब वो राष्ट्रपति थे और बाद में हर मंच से कहते थे इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक टेररिज्म की बात करते थे, और आज वो दुनिया में बाइडन जैसे लोग हैं जो मुंह छुपाए बैठे हैं, वो उस बात पे बोलते नहीं है। ओआईसी जो एक अनुपर शर्मा के बयान पर बौखला जाता है, लेकिन जब आतंकवादी हर जगह एक कठमुल्ले पकड़े जाते हैं तो उसकी जबान नहीं खुलती है। आखिरकार एक धर्म के लोग ही क्यों आतंकवादी पकड़े आ रहे हैं, इसका बड़ा सवाल है, सवालिया निशान है। हम उस धर्म के लोगों को नहीं कह सकते कि हर कोई आतंकवादी है, लेकिन सवाल जरूर है, क्योंकि तालीम में, उनकी शिक्षा में कोई कमी जरूर रही है, मदरसों के में कोई कमी रही होगी जरूर। आखिर यूं ही नहीं कोई आतंकवादी बनता, भटके हुए नौजवान तो बहुत सारे हैं, बहुतों को नौकरी नहीं मिलती है, बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं, क्या वो आतंकवादी बन जाते हैं कि पेट से भूख मिटाने के लिए? नहीं। ये कौन से लोग आतंकवादी बनते हैं? क्योंकि इनको शायद इनके धर्म में गलत शिक्षा दी जाती है, या इनके धर्म की गलत शिक्षा दी जाती है। समझ गया का? इनके धर्म में या तो गलत शिक्षा है, या तो इनकी धर्म की गलत शिक्षा दी जाती है। अब ये तो मौलाना लोग बताएंगे कि आखिर गलतियां किस में है, धर्म में या धर्म को सिखाने वालों में, ये उनके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन सबके बीच में जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इस समय विभत्स है। जम्मू कश्मीर में हालात जो है भारतीय सेना ने तो संभाल रखे हैं, लेकिन विभत्स आतंकवादियों के लिए है, उनको अब एक एक करके भारतीय सेना निकाल रही है, और जिस तरह से वो कार्य अभी तक उनका जो चीजें थी वो एक एक के बाद उनकी ठुकाई यहां पर जारी है। आपको हमने सारी चीजें दिखाई हैं जहां पर राहुल भट्ट, अहमद जो दो जो कश्मीरी पंडित थे उनकी हत्या में ये जो लोग शामिल थे उनको भारतीय सेना इस समय ट्रैप की हुई, घेरी हुई है, और उनको किसी भी वक्त उनके मौत की उनके खबर आएगी। और ऐसे लोगों को अगर आप बताइए, खुद कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऐसे लोगों के क्या उनके परिवार को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का तो कोई धर्म नहीं होता है। इनको ना दफनाया जाए, ना इनको जलाया जाए, इनके साथ वही दुर्व्यवहार होना चाहिए कि इनको कूड़े में डाल करके आग लगा देनी चाहिए, इनको इनका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। क्योंकि आतंकवाद का अगर कोई आतंकवादी बन गया तो उसका कोई धर्म नहीं है, उसका धर्म नहीं है, उसका अंतिम संस्कार भी उस लेख नहीं है, और उसके साथ जो अमेरिका करता है, जो उसामा बिन लादेन के साथ किया, आज तक पता नहीं कि उसकी अंतिम संस्कार हुआ भी या नहीं हुआ, कहां उसको फेंक दिया पता नहीं है। आवाज दूसरा अल जवाहरी को मारा गया, कहां है उसकी लाश, क्या है उसके परिवार को सौंपी गई, क्या हुआ नहीं पता। इसे कहते हैं आतंकवाद पे गहरी चोट, जहां उसका धर्म, क्योंकि मरने के बाद तब उसका धर्म नहीं पता चलेगा कि वो हिंदू था, मुसलमान था, क्रिश्चियन था, ईसाई था, क्या था, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक आतंकवादी था, मानवता का दुश्मन था, और ऐसे मानवता का दुश्मन को भारतीय सेना या जो भी उन्हें मार रहा है अच्छा कर रहा है, और उनके धर्म और जाति पूछकर उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।